मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के द्वारा भिलाई में राष्ट्रीय स्पर्धा हेतु टीम की चयन प्रक्रिया पूर्ण की गई। 16 जिलों से आए 200 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चयन की जाने वाली टीम में अपना चयन करवाने के लिए अपना पूरा दमखम दिखाया। मिक्स मार्शल आर्ट यह नाम है उस खेल का जिसे अनियमितताओं का खेल कहा जाता है, क्योंकि इस खेल में सिर्फ एक गलती दमदार खिलाड़ी को भी चंद सेकंडों में परास्त कर देती है। यह मिक्स मार्शल आर्ट खेल की विधा कई खेलों का मिला जुला स्वरूप है और इसमें जीत हासिल करने के लिए खिलाड़ी को किसी भी अन्य खेल से दोगुना मेहनत करनी होती है। इसी मिक्स मार्शल आर्ट की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन भिलाई में किया गया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 16 जिलों से करीब 200 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। रिंग में इन खिलाड़ियों ने अपने हुनर का जबरदस्त प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में सीनियर व जूनियर वर्ग के करीब 200 खिलाड़ी शामिल हुए। इस दौरान खिलाड़ियों का रिंग में डिसिप्लिन व धैर्य भी कमाल का देखने को मिला। प्रतियोगिता में दुर्ग जिले की टीम ने सर्वाधिक पदक जीतकर चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा किया। वहीं रायपुर की टीम दूसरे नंबर पर रही। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट के महासचिव नितिन सिंह ने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और यहां से चयन किए गए खिलाड़ी आने वाले समय में मध्य प्रदेश के नीमच में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। नमस्कार, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ आए, आपका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। ये छत्तीसगढ़ एमएमए एसोसिएशन का छत्तीसगढ़ एमएमए स्टेट चैम्पियनशिप है 2022 का, जो यहाँ आज फाइनल्स चल रहे हैं, कल से ये मैच चल रहे हैं, यहाँ पर आज संपन्न होने के कगार पर है और हमारे पास 9 बाउट्स बाकी हैं जिनका फाइनल्स अभी होना है। यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए जाने वाले हैं आगामी जो होने वाला है 19 तारीख से 22 तारीख तक नीमच मध्य प्रदेश में, जिसका तत्वाधान हमारा एमएमए इंडिया नेशनल फेडरेशन कर रहा है, जिन्होंने अभी हमारे पास यहाँ ऑब्जर्वर भी भेजा हुआ है सर शेख खालिद, जो इंडिया टीम के कोच भी हैं और यहाँ पर एज ए सीनियर ऑब्जर्वर बनकर आए हैं ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद। सर, बेसिकली एमएमए का जो गठन हुआ या उसकी जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले हुआ था 1993 में यूएफसी के द्वारा। यूएफसी कहते हैं अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप, सबसे फेमस है आज की डेट में वर्ल्ड में, सभी लोग एमएमए अगर जानते हैं, एमएमए भी नहीं जानते होंगे तो यूएफसी जानते हैं। उसी तरह सर वहाँ से स्टार्ट हुआ, सभी कोई कराते बैकग्राउंड से आते हैं, कोई जूडो बैकग्राउंड से आते हैं, कोई रेसलिंग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई किक बॉक्सिंग से आते हैं, कोई जुजुत्सु से आते हैं, कोई इसमें जो एमएमए है इसमें तीनों ही आर्ट फॉर्म्स आते हैं, स्ट्राइकिंग भी, टेकडाउन्स भी और सबमिशंस भी, तो इसीलिए इसका नाम एमएमए है, मिक्स मार्शल आर्ट्स। इसमें सभी तरह के खिलाड़ी, सभी मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं और वो खेलते हैं, इसमें अपनी विधा दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बिफोर लॉकडाउन मैं बोलना चाहूँगा सर, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से हमारे प्लेयर्स का बहुत नुकसान हुआ है। लॉकडाउन से पहले हम कंटिन्यूस 2 बार के नेशनल चैम्पियन थे और लॉकडाउन के बाद 2022 में जो जनवरी में अभी अबू धाबी में हमारे 5 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही एक बच्चा हमारा उसमें से ईशान कुमार जो अभी खेला वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और जो भी यहाँ से जाएंगे हमें लगता है कि आगे अच्छा ही करेंगे हमारे स्टेट के। परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम नितिन सिंह है, मैं छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं अपने नेशनल फेडरेशन और स्टेट फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों का शुक्रगुजार हूँ और आप सभी मीडिया भाई बंधुओं का शुक्रगुजार हूँ कि आप आए। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया और आने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।